आर्यंस जितने बाहर के हैं लोग, ये गाय भी वहीं से लेके आए थे, है ना। कुछ लोग आए थे यहाँ पर और इस देश के मूल निवासी पर कब्जा कर लिया, तो हमने एक नारा बनाया, है ना। आप लोग सारे मैं बताऊंगा फिर बोलना है, ठीक है। सबसे पहले नारा तो जय भीम का है बाबा साहब का, आप लोग तेज बोलना सारे के सारे, ठीक है। माँ की कसम है सबको, जय भीम। ये आवाज ना ब्राह्मणों के मंदिर तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि ना सड़क पर अगर कोई आपके खिलाफ है ना आरक्षण के, तो ब्राह्मण है और किसी को दिक्कत नहीं हो रही, इनको दिक्कत हो रही है। अगर इनके भगवान में ताकत होती ना तो ये लोग सड़क पर निसंघर्ष करते, मंदिर की घंटी बजाते, बिगाड़ लेते, हमारा क्या बिगाड़ना था, है ना। तो उनके मंदिरों तक आवाज जानी चाहिए, जय भीम। और ये जो नीला झंडा है ना, ये इनके लिए कफन है, जो हमारे ये विरोधी लोग है इनका कफन है ये नीला झंडा और नीला निशान। और ये जो जय भीम का नारा बुलंद है, और जो आज ये नीला झंडा पूरे देश में क्रांति का प्रतीक बना हुआ है, ये एक आदमी की देन है, साबका श्रीराम की। मैं उससे बड़ा नेता नहीं मानता किसी को। साबका श्रीराम ने ये बात कही थी कि जिस दिन ब्राह्मण रोड पे आ गया, सोच लेना कि तुम लोग सही रास्ते पे हो, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं एमएलए, ठीक है। मैं बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से टिकट देनी पड़ी, मेरी जगह नहीं तो किसी और को देते। आज ये सीट जनरल हुई, क्या खंडेरा को टिकट मिली क्या? फिर क्यों भाई नेता नहीं है खंडेरा साहब, अब नेता नहीं गया एमएलए रहा दो बार। तो ये मजबूरी है इन चोरों की हम लोगों को टिकट देना, क्योंकि हम लोग नॉमिनेटेड दलाल है समाज के। इन पार्टियों में बैठे हो पता क्या, संदीप तू बाल्मी को दलाली कर, फलाना चमारों की दलाली कर, ढिकड़ा उसकी दलाली कर, तू जाटों की कर, कितने बड़े समाज को 85% ये आरक्षण आपको पता है किस आधार पर दिया गया। बाबा साहब ने जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब के संविधान सभा में वर्ड थे कि हिंदुओं को स्वर्णों को भारत मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, इन दलितों को पिछड़ों को बहुजनों को क्या मिला, सिर्फ आरक्षण मिला था उसमें। और वो किस लिए था, बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर दो चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक इस देश का समाजवाद और पूंजीवाद इसमें बराबरी नहीं आएगी, इस वोट के अधिकार का कोई फायदा नहीं होगा, इस लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं होगा। आज जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी जितने भी लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं और मिलकर टूर्नामेंट खेलते हैं, बॉल घर में ही जाती इनके बाहर नहीं जाती, और सारे लगे हुए हैं। ये दो भाई हैं, मैं बताता हूं आपको, दो भाई थे बेरोजगार थे और कोई उनको काम नहीं दे, बड़ी समस्या में फंस गए हूं। तो रात को उन लोग दोनों बैठे, उन्होंने विचार बना के यार एक काम करते हैं, काम हम किसी से मांगे क्यों, अपने आप ही आ जाएगा काम। तो उन्होंने कहा कैसे कैसे, दो तीन पीपे जो है ना तार खोल के लेके आ और एक बुरुश लेके आना। तो एक भाई ने जब रात को 3 बजे पीपा बुरुश लेके निकल गया, सारे कॉलोनी के मोहल्लों की ना दीवारें खिड़कियां उससे बंद कर दी शीशे तार खोल से, और सुबह एक भाई साइकिल लेकर तार खोल साफ करवा लो, तार खोल साफ करवा लो, तार खोल साफ करवा लो, अरे वो लाइन लगी मारा कर दे मारा कर दे मारा कर दे ना। तो ये भाजपा और कांग्रेस के लोग ऐसे ही लोग हैं। पहले कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, आप कह रहे भाजपा मुक्त भारत बनाओ, लेकिन आना कौन है, है ना। मोहन भागवत कहता है अगर मुसलमान ना हो तो हिंदुत्व कैसे बचेगा, ये स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है। योगी कहता है अगर दलित ना हो तो हिंदुत्व कैसे बचेगा।